चेयर पर अंसारी की पेशी, अभी नहीं होगी बाहुबली की घर वापसी। रोपड़ जेल जाने से पहले बोला, मुझे फंसाया गया है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को बुधवार को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान अंसारी पर मोहाली में दर्ज मामले में पेश की गई चार्जशीट की कापियां दी गई। मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। बाहुबली विधायक व्हीलचेयर पर कोर्ट में लाया गया, कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत लाया गया। विधायक बेसुध दिखा। करीब 22 सुरक्षा कर्मियों के घिरे अंसारी ने इस दौरान कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है। मोहाली में सुनवाई के बाद उसे रोपड़ जेल वापस भेज दिया गया। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के मुकदमे और उनकी कस्टडी ट्रांसफर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि अंसारी को 2 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट करना होगा। पंजाब सरकार की दलीलों से कोर्ट संतुष्ट नहीं था। इससे पहले पंजाब सरकार ने रूपनगर जेल में बंद विधायक व माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपने से इनकार कर दिया था। 14 आपराधिक मुकदमों के लिए यूपी सरकार को अंसारी की कस्टडी की दरकार है। जनवरी 2019 से अंसारी पंजाब की जेल में है, जहां उसे जबरन वसूली मामले में नामजद किया गया था। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि अंसारी की अनुपस्थिति के कारण यूपी में मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। यूपी सरकार की याचिका पर पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर अंसारी को यूपी सरकार की हिरासत में देने से इनकार किया था। पंजाब सरकार ने इसका कारण अंसारी के स्वास्थ्य को बताया। जेल अधीक्षक के माध्यम से दायर हलफनामे में कहा गया था कि अंसारी कथित तौर पर उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अवसाद, पीठ दर्द और त्वचा की एनर्जी से पीड़ित है।